बेटा दूध पी लेना। तुम कौन हो? मैं ग्लैक्टिको। और तुम चीकू हो ना? हाँ, लेकिन ये तुम कौन से डब्बे का दूध पी रहे हो? डब्बा? ये तो लूज मिल्क है, मेरी मामा तो मुझे खुला दूध पिलाती हैं। लेकिन खुले दूध में तो बहुत सारी मुजिर सेहत चीजों की मिलावट होती है। अब समझा। आओ चीकू, मैं तुम्हें बताता हूँ ये दूध कहाँ से और कैसे आता है। चीकू, ये हमें नहीं देख सकते, हम इनविजिबल हैं। जल्दी से वीडियो बनाओ, ये देखो गंदगी। अरे ये तो भोला अंकल है जो हमारे घर दूध लाता है। देखो ये किस तरह मुजरे सेहत चीजें मिलाकर खुला दूध बना रहा है जिसमें कोई गिजायत नहीं है। हाँ, लेकिन चीकू तुम्हारे मुल्क में सेफ UHT मिल्क भी मौजूद है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो किस तरह दूध को साफ सुथरे तरीके से अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट के जरिए तमाम जरासीम से पाक करके डब्बे में पैक किया जाता है। सेफ UHT मिल्क मुकम्मल तौर पर महफूज, सेहतमंद और गिजाइत से भरपूर है। ये ठीक है कि खुला दूध सेहत के लिए खतरनाक है। ये न सिर्फ बच्चों की जिस्मानी बल्कि जहनी नशोनुमा को भी बुरी तरह से मुतासिर करता है। अंकल फिर तो मैं सब बच्चों को इस बारे में बताऊंगा ताकि वो और उनके मामा बाबा हमेशा के लिए खुला दूध लेना छोड़ दें और भोला दूध वाले जैसे लालची लोगों से दूर रहें। हम सबको चीकू से सीखना चाहिए जिसने खुले दूध के मुजरे सेहत असरात के बारे में बच्चों और बड़ों में आगाही पैदा की और हमें सेफ UHT मिल्क के फवायद से आगाह किया। हमें चीकू जैसे बच्चों पर फख्र है। शाबाश चीकू। थैंक यू ग्लैक्टिको, तुमने खुले दूध के खिलाफ हम सब की आंखें खोल दी। ऐसा मैसेज जिससे बच्चों की सेहत और जिंदगी को फायदा हो उसे फैलाते रहना मेरे दोस्त। एक दिन फिर मिलेंगे। ये तो थी दूध में मिलावट की कहानी। अब एक और बात है समझने की और वो ये है कि आपने देखा कि किस गंदगी से दूध निकाल कर आपके घरों तक पहुंचाया जाता है जिसे पीने से आप बीमार पड़ सकते हैं। इसका इल्म सबको नहीं है, इसलिए अब ये बात आपको अपने तक नहीं रखनी बल्कि सबको बतानी है।